नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचल इंग्लिश के तहत 13वीं दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे किसी भी जो है वर्ड मीनिंग को याद किया जाता है। दूसरी बात कि अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, यानी पढ़ना सीखना चाहते हैं, साथ ही इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि रोज़ डेली यूज़ होते हैं, तो वैसे वर्ड जानना चाहते हैं, तो देखिए, एक्चुअली डिक्शनरी जो हमारा होता है उसमें लाखों वर्ड होता है, लेकिन लाखों वर्ड की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ऐसे 1000 2000 वर्ड अंग्रेजी के वर्ड्स होंगे जो कि बार बार आपके सामने आते रहेंगे, तो वैसे वर्ड को याद कर कर आप जो है कि लिखना सीख सकते हैं, बोलना चाहते तो बोलना सीख सकते, क्योंकि एक एक जो वर्ड को भी अगर आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि हिंदी से अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हिंदी टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो रोज़ आपके काम आएगा, और इन वर्ड्स का आपके पास एक वैक्यूबलरी होना चाहिए जो कि डेली यूज वाले होते हैं। साथ ही अगर अपना आपका वर्ड पावर है, वैक्यूबलरी आपका इंक्रीज, आप जितना ही करते हो उतना ही आप ज़्यादा अच्छे तरह से इंग्लिश को सीख पाएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी वर्ड को, यानी किसी इंग्लिश में किसी वर्ड का हिंदी क्या होता है, तो आप हिंदी से ही इंग्लिश जानेंगे। आप सोचते भी हिंदी हैं और लिखते भी मतलब हिंदी से इंग्लिश में, जब लिखते समय क्या करते हैं कि हिंदी सोचकर इंग्लिश लिखते हैं, या हिंदी सोचकर इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, बाद में ये आदत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, लेकिन पहले तो वे हिंदी ही सोचते हैं। तो चलिए, आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों देखिए, आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंचल इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए। हाँ, रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, सब कुछ भी दीजिए, स्टेप सीखेंगे। कुछ आपको ग्रामर की बुक्स की आवश्यकता नहीं, मोटे मोटे डिक्शनरी की आवश्यकता होगी, बस एक कॉपी लेना है। कॉपी पे आप जरूर से ज़रूर लिखें, तभी आप पे हमारे जो जो भी वीडियोस है, जो भी टॉपिक है, उसको लेकर आप रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डेली यूज वाले जो है बेसिक वर्ड्स देख रहे हैं। जैसा कि दोस्तों, आज का है वर्ड फॉर द डे, यानी कि आज का जो वर्ड मैंने क्या लिया है, तो ये लिया है सरकास्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, सरकास्टिक्स, इसके बारे में बताता हूँ मेरे दिमाग में कहाँ से आए वर्ड। तो एक मूवी है छलांग, राजकुमार राव के, उसमें गाना है सरकास्टिक सी स्माइल में। तो मुझे लगा कि भाई एक इस स्माइल तो लोग सब समझ रहे हैं कि स्माइल होता है, स्माइल मीन्स मुस्कान, हंसना, जो भी समझते हैं आप लोग, लेकिन ये सरकास्टिक सी स्माइल क्या होता है, तो ये इसी वजह से ये वर्ड आया सरकास्टिक। देखिए, सरकास्टिक्स का हिंदी अर्थ के बारे में आपको बताता हूँ कि देखिए, इस शब्द का जो है इस्तेमाल संज्ञा में, हिंदी में करते हैं तो संज्ञा, यानी कि इंग्लिश में भी कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा है, क्रिया है और विशेषण है, इंग्लिश में कहते हैं तो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में सरकास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, यानी अनेकों तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इसका मतलब की बात की जाए कि भाई मतलब क्या है, देखिए इसका कई मतलब है सरकास्टिक का। एक तो होता है व्यंग्यपूर्ण, ठीक है दोस्तों, व्यंग्यपूर्ण, ठीक है, व्यंग्यपूर्ण, इसे ही व्यंग्यात्मक कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक, ठीक है, तो व्यंग्यात्मक हो गया सरकास्टिक का मतलब, या कटु, क्या कटु। इसके अलावा जो है व्यंग्य मिश्रित ताने भरा, ठीक है, ताने भरा। फिर है एक लेते हैं निंदापूर्ण, निंदा, ये निंदा हो गया, आइए पूर्ण हो गया। तो मतलब देखिए कितना हो रहा है, और जो है व्यंग्यात्मक में व्यंग्य मिश्रित, ठीक है, तो व्यंग्य, व्यंग्य मिश्रित, मिश्रित लिख लीजिए, मिश्रित, ये है इसका हिंदी अर्थ। अब देखिए, सरकास्टिक से स्माइल में जब गाना में गाया गया, यानी कि व्यंग्यात्मक मुस्कान, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आपको याद रखना होगा सरकास्टिक से क्या मतलब है, व्यंग्यपूर्ण, कटु, व्यंग्यात्मक, कटु, या व्यंग्य मिश्रित, या निंदापूर्ण, या ताने भरा, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए, अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये वर्ड जो है ये कहाँ आप देंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई आयरोनिक रिएक्शन होगा, ठीक है, यानी अचानक कुछ आपके दिमाग में आता है और लगता है कि ये बहुत ही
बोल रहा है तो उसे अपमानित करने के भी उसे इस तरह से या पिंच करने के भी उसे आप जो है इस तरह का रिएक्शन दे सकते हैं। तो सरकास्टिक यानी कि मुस्कान के बारे में बात की जाए तो सरकास्टिक्स मीन्स यही होता है। तो इसके साथ ज़्यादातर आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन स्माइल तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है सरकास्टिक से स्माइल में, जैसा कि बोला गया है। जैसे एक है एग्जांपल, उदाहरण है कि हमें मान लीजिए किसी का नाम है, हमें रमेश की अहंकारी हंसी और रुद्र की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान का द्वंद मिलता है। यह हंसी और मुस्कान श्रीकंठ की देन है, मतलब इस तरह से जो है आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कई तरह के बातें हैं और ये जो है और भी तरह से यूज हो सकता है वाक्य में, अलग अलग वाक्य में अलग अलग तरह से यूज हो सकता है। जैसा वाक्य रहेगा वैसा, जैसा कि मैंने बताया संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा वर्ब और जो है क्या विशेषण यानी कि नाउन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, तो आज के वर्ड पे चलते हैं। और हिंदी अंग्रेजी के दो कॉलम होंगे जैसा कि आप जानते हैं, उसके बाद इसको इजी वे में आप याद करना आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। जो हार्ड होगा मैं पढ़ के बताऊँगा कैसे पढ़ना है। स्पेलिंग, इसे प्रसन्न का क्या बोलते हैं या मगन, ग्लैड बोलेंगे, ग्लैड हिंदी में प्रसन्न या मगन के लिए, हालांकि और भी प्लीजेंट भी बोलते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है वो मैं लिखा हूँ क्योंकि अल्फ़ाबेट मैंने लिया है, तो प्रसन्न या मगन का ग्लैड, भगवान या देव को गॉड बोलते हैं। झलक या प्रभा को ग्लैंस, सोना क्या होगा गोल्ड, कांच ग्लास को देखिए गिलास, गिलास को ग्लास बोलते हैं, हम लोग तो ग्लास बोलते ही हैं भाई एक गिलास पानी दो, लेकिन एक गिलास को ग्लास ही बोलते हैं या कांच बोलेंगे। अब हिंदी समझिए तो भाई गिलास को तो ग्लास बोलते ही हैं, कांच जाता है इसका हिंदी ज़्यादा होता है। सुनहरा या स्वर्ण को गोल्डन बोलते हैं, गोल्ड से बना गोल्डन ईएन इसमें जुड़ गया है। वैश्विक या सार्वत्रिक को ग्लोबल बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश हमारा ग्लोबल लैंग्वेज है। गोल्फ को गोल्फ, दस्ताना ग्लोब, अच्छा ठीक भला गुड, जाना को गो, तो ये टू गो यानी वर्ब है हमारा प्रिंसिपल वर्ब है। सरकार या शासन को गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ठीक है गवर्नमेंट ये एंटीगुएंट बोलते हैं। उसके बाद लक्ष्य या पहुंच को बोलते हैं गोल, राज्यपाल या शासक को बोलते हैं गवर्नर, गवर्नर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए हिंदी इंग्लिश के जो है नेक्स्ट है लपकना या छीनना क्या होगा ग्रैब, ये वर्ड्स क्या रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लपकना, इस तरह के वर्ड नहीं मिलते हैं जल्दी तक। कैसे आप लपकना कहते हैं लपको, तो लोग समझ ही नहीं पाते कि इस तरह के वर्ड को क्या बोलेंगे इंग्लिश में। अनुदार या उपहार को ग्रांट बोलते हैं, ग्रांट ग्रांट, हालांकि अनुदान को सब्सिडी बोलते हैं, उपहार को गिफ्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रांट रखिए याद। पदक्रम या श्रेणी को ग्रेड है ना, कौन से ग्रेड में है भाई। घास या ग्रास, घास को क्या बोलते हैं ग्रास बोलते हैं। स्नातक को ग्रेजुएट बोलते हैं ठीक है, ग्रेजुएट ग्रेजुएट डी को यहाँ पर ज बोला जा रहा है ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट नहीं बल्कि ग्रेजुएट बोलते हैं। मजार या कब्र को बोलते हैं ग्रेव, इसी से बना है ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान। अनाज या दाना को ग्रेन, ए आई एन को एन बोलते हैं, अब जैसे टी ए आई एन को टेन हो जाएगा है ना, आर ए आई एन से रेन हो जाएगा, और पी ए आई एन से पी ए आई एन से पेन हो जाएगा, और क्या बहुत सारा जी ए आई एन से गेन हो जाएगा। चलिए घुमैला क्या बोलता है, धुमैला धुमैला ठीक है, घुमैला ना धुमैला। ग्रे बड़ा या शानदार को बोलते हैं ग्रांड, महान को बोलते हैं ग्रेट, दादा या नाना को ग्रैंडफादर। तो हिंदी में तो अलग अलग दादा नाना बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो दादा के लिए भी ग्रैंडफादर और नाना के लिए भी ग्रैंडफादर है ना। महान को बोलते हैं ग्रेटेस्ट, ई एस टी क्वेस्ट बोलते हैं, एक्चुअली टेस्ट हो गया, ई एस टी क्वेस्ट बोलते हैं ग्रेटेस्ट। उसके बाद देखिए दादी या नानी को ग्रैंड मदर, हरा को ग्रीन, हिंदी इंग्लिश के दूसरे स्लाइड में चल रहे हैं हम लोग हैं। और देखिए ये है किराना, अब ये वर्ड देखिए घरेलू वर्ड्स है, याद है कि बहुत लोग कम जानते हैं, लेकिन आजकल लोग क्योंकि मॉल्स जाने लगे तो वहाँ पर ये वर्ड का इस्तेमाल होता है मॉल्स में या ई शॉपिंग पे। तो देखिए ग्रॉसरी बोलते हैं ग्रॉसरी है ना, ग्रॉसरी यानी किराना, किराना का सामान होता है ग्रॉसरी गुड्स या कुछ भी समझिए ग्रॉसरी। रक्षक या रखवाली गार्ड,
भूमि या आधार, ग्राउंड, अनुमान, अटकल, गेस। समूह गुट को बोलते ग्रुप, अतिथि या पाहुना यानी कि जो हालांकि पाहुना को पाहुना बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जो है दामाद लोग को भी पाहुना बोलते हैं। तो खैर गेस्ट वो भी तो गेस्ट ही होते हैं। बढ़ना या उगाना, ग्रो, पथ प्रदर्शक, गाइड। नेक्स्ट है बढ़ने वाला, ग्रोइंग, दिशा निर्देश। जिनको पढ़ने नहीं आता आ रहा इंग्लिश, एक्चुअली घर की वैसे लोग जो घरों में हैं, और बहुत सारे लोग को अगर कह दिया जाए कि पढ़िए तो वो कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो अगर जो नहीं पढ़ पा रहे हैं जो वर्ड्स ध्यान सुन ही रहे होंगे, तो आप उन वर्ड्स को ज़रूर पढ़ें हमारे साथ, ताकि पढ़ने आ जाए। एक बार मुंह पे जरूर चढ़ना चाहिए, दो बार चार बार हर एक वर्ड में बोलना चाहिए। दिशा निर्देश को बोलते हैं गाइडलाइन। आजकल दोस्तों गाइडलाइन का ही ज़माना है, हर जगह देखिए कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। विकास या वृद्धि को ग्रोथ बोलते हैं, ग्रोथ ये ग्रो हो गया, ये था हो गया। दोषी अपराधी को गिल्टी है ना, गिल्टी, टी वाई को टी, गिल्टी। गारंटी या बंधक को गारंटी, बंदूक को बोलते हैं गन। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी टू इंग्लिश थर्ड स्लाइड है हमारा, आज लगता है आसपास 10 के आसपास स्लाइड चलेंगे। पुरुष को बोलते हैं गाय, ये भी समझ में, गाय को भी बोलते हैं गाय। अब वो गाय नहीं है COW वाला गाय नहीं है, ठीक है, ये मनुष्य को कभी कभी सेंस में कि बहुत लगा गाय है, गाय के एक्चुअली ये वर्ड ही तो गाय आले आ गया। मुट्ठी को बोलते हैं हैंडफुल। अब भाई मुट्ठी को कोई बोल बताइए, मुट्ठी का अंग्रेजी क्या होगा, कोई आप जानेंगे नहीं, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि मुट्ठी को क्या बोलते हैं, तो हैंडफुल। आदत या स्वभाव को हैबिट, संभालना को हैंडल, बास आवास या स्थान हैबिटेट। याद रखिएगा ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हैबिटेट बहुत बार आ जाता है। खुश को बोलते हैं हैप्पी। बल केस या लोम, बाल केस और लोम को बोलते हैं हेयर। इन तीनों को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेयर। कठिन या कड़ा को बोलते हैं हार्ड। आधा को हाफ, मुश्किल से को हार्डली, एल वाई जुड़ गया इसमें हार्ड में, ये जो पर हार्ड है इसमें एल वाई जुड़ गया, हार्डली हो गया। विशाल कक्ष को हॉल, टोपी को बोलते हैं हैट। हाथ या भुजा को हैंड, नफरत बैर को बोलते हैं हिट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ये स्लाइड देखिए, और ये है या पास रखना। अगर आप कुछ आपके पास कुछ अधिकार में है या पास है कुछ रखे हुए हैं, तो हैव का इस्तेमाल सेंटेंस बनाते समय करते हैं। ये बट टू बी टू हैव से रिलेटेड ये एक तरह से एक्चुअली मतलब भर भी है। स्वास्थ्य या निरोग को बोलते हेल्दी। नेक्स्ट है वह को बोलते ही। सुनो या सुनना का हेयर। घोना घटित होना को बोलते हैपन। सुनवाई पेशी को बोलते हेयरिंग। सिर मुखिया या को बोलते हेड। दिल केंद्र को बोलते हार्ट। नेक्स्ट है शीर्षक नाम या को बोलते हेडलाइन। गर्म को हिट। मुख्यालय को हेड क्वार्टर। स्वर्ग को बोलते हेवन। स्वास्थ्य को बोलते हेल्थ। भारी कठिनता से बोलते हैविली। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो एक बार जरूर कम से कम जो वर्ड्स नहीं पढ़ने आ रहे आप उसको रिपीट करेंगे, साथ ही आप उसका हिंदी अर्थ जरूर याद रखें, क्योंकि हिंदी से ही सब कुछ अब करना है। हिंदी से इंग्लिश में लिखना है या हिंदी से ही मतलब इंग्लिश बोलना है, तो यही वर्ड्स होगा। भारी हैवी, भारी के लिए हैवी बोले ना, हैवी वर्ड इस तरह से कि हेल्पफुल मैंने, वो बंदा बहुत ही हेल्पफुल है, इस तरह से बहुत बोल सकते हैं हिंदी से, यानी हिंदी में इंग्लिश के वर्ड घुसाइए। भारी या भारी को हैवी, सहयोग या उपयोगी को बोलते हैं हेल्पफुल। एड़ी या झुकाव को बोलते हैं हिल। उसका या उसकी को बोलते हैं हर, सॉरी उसकी को हर बोलेंगे और उसका को तो जाहिर सी बात है हिज बोलेंगे, तो यहाँ पर हर उसकी के लिए हर हो जाएगा लड़की लड़की के सेंस में। ऊंचाई को हाइट। इधर यहाँ को हेयर, इधर या यहाँ को हेयर। घिरनीदार या विमान को हेलीकॉप्टर। अब देखिए हेलीकॉप्टर का अंग्रेजी क्या हो गया, आप किसी से पूछे तो घिरनीदार विमान है ना। विरासत को बोलते हेरिटेज, हेरिटेज एज को बोलते एज, हेरिटेज हो गया। नरक या दोजख को बोलते हेल, बोलते गो टू हेल, नरक में जाओ लोग बोलते हैं।
नायक को हीरो या अभिनेता भी, नमस्ते या हेलो को हेलो बोलते हैं स्वयं। अब देखिए हेलो को चाइनीज में क्या बोलते हैं, नी हाओ, नी हाओ। अब ये इंग्लिश वाला हाओ नहीं है, वो लोग बोलते हैं हेलो यानी कि नी हाओ चाइनीज में। स्वयं या खुद को हरसेल्फ, मदद सहायता को बोलते हैं हेल्प, हे अहो को बोलते हैं हे। नेक्स्ट है हिंदी इंग्लिश के, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कुछ और महत्वपूर्ण शब्द को देखिए, नमस्ते, हे, देखो, हाय, क्या बोलते हैं हाय। नी हाओ भी चलेगा यहाँ भी, स्वयं या खुद को हिमसेल्फ, छिपना छिपाना को बोलते हैं हाइड, कमर या नितंब को हिप, नितंब हिप, समझ रहे होंगे आप। ऊंचा या को क्या बोलते हैं हाई, किराया भाड़ा को बोलते हैं हायर। मुख्य आकर्षण क्या हो गया, हाईलाइट, हाईलाइट आई जी एस टी को आइट बोलते हैं। अब एल सिर्फ आइट के पहले, देखिए आइट है, आइट के पहले अगर यहाँ पर कोई वर्ड जैसे टी लगा देते हैं तो टाइट, एल लगा देते तो लाइट, एम लगा देते तो माइट, एस लगा देते हैं तो साइट है ना, आर लगा देते हैं तो राइट, कितना वर्ड बन जा रहा है उसका क्या हो जाएगा, हिज। अत्यधिक या बहुत का हाईली, एल वाई जुड़ गया हाई के साथ, हाईली। इतिहासकार को हिस्टोरियन, हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार। पहाड़ या पर्व को बोलते हिल, ऐतिहासिक को हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। नेक्स्ट है उसे या उसको को बोलते हिम, ऐतिहासिक को हिस्टोरिकल, एक ही बात है हिस्टोरिक या हिस्टोरिकल। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स है, इसे आप ज़रूर चाहेंगे कि लिख ले कॉपी पे, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इतिहास को हिस्ट्री, जो वर्ड्स आप नहीं जा रहे हैं। बेघर या गृह गृहहीन को बोलते हैं होमलेस, होमलेस यानी कि घर के बिना। मारो सफल या चोट को बोलते हैं हिट। ईमानदार या सच्चा को ऑनेस्ट बोलते हैं। पकड़ या अधिकार को होल्ड, होल्ड है ना, होल्ड इट, इसे पकड़ो। शहद मधु को बोलते हैं हनी। छेद बिल या छिद्र को बोलते हैं होल है ना, होल। आदर या सत्कार को ऑनर, ऑनर। छुट्टी या त्यौहार को हॉलीडे। आशा भरोसा को होप। पवित्र या पावन को होली। क्षितिज को बोलते हैं हॉरिजन, हॉरिजन। घर निवास मकान को बोलते होम। आतंक या दहशत को हॉरर। एक्चुअली हॉरर मीन्स भयानक होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ठीक है भयानक ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, क्योंकि टेरर टेरर वर्ड रखते हैं टेरर, तो वहाँ पर हो जाएगा दहशत, तो ठीक है हॉरर के लिए, लेकिन आतंक के लिए टेरर है, टेरर रखिए यार है ना, क्योंकि ये अलग ही वर्ड हो जाएगा। हॉरर मीन्स भूत वाला है ना, उसमें भी दहशत होता है, भयानक होता है, और आतंक के लिए क्या हो जाएगा टेरर। तो चलिए नेक्स्ट हिंदी टू इंग्लिश वाले में ये है दोस्तों, घोड़ा अश्व क्या होगा, हॉर्स। गृहस्थी या परिवार को हाउस होल्ड, ये बढ़िया रखिए, गृहस्थी या परिवार, गृहस्थी समझिए हाउस होल्ड या परिवार। मेजबान या आतिथेय, आतिथेय होस्ट, जो कि मेजबानी करते हैं यानी कि आप अगर कि कोई मेहमान आप घर में आते हैं तो आप होस्ट हो जाते हैं, वो गेस्ट हो जाते हैं, जो आते हैं वो गेस्ट, आप क्योंकि उनको सर्व करते हैं, सर्विस देते हैं, तो आप होस्ट हैं। आवास गृह निर्माण को बोलते हैं हाउसिंग। अस्पताल क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल। किसी किस तरह किस रूप में, हाउ, ये एक्चुअली हाउ मीन्स होता है कैसे, ठीक है कैसे, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में अगर आपको इस तरह किस तरह या किस रूप में आ जाए तो इस तरह से हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म एवं को बोलते हैं हाउ, हॉट, तथापि को हाउएवर, हाउएवर। होटल या विश्रामालय को होटल ही बोलते हैं। बड़ा को बोलते हैं ह्यूज, घंटा। समय को आवर, मानव को ह्यूमन। मकान या सदन या घर को बोलते हैं हाउस। हास्य या भाव को बोलते हैं ह्यूमर। चलिए एक और स्लाइड देखते हैं, स्लाइड की कमी नहीं है। तो दोस्तों सैकड़ा को बोलते हैं हंड्रेड, मैं के लिए क्या होता आई, ये है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और ये सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर हो गया, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष हो जाएगा, ये बोलते हैं उत्तम पुरुष प्रथम है ना वचन। भूखा क्या बोलते हैं हंग्री। वर्क को आइस, सी ई को बोलते हैं स,
जहाँ मिल जाए सी, तो समझ पढ़ लीजिए उसको। शिकारी को हंटर, ई आर को हंटर, विचार या योजना को आइडिया, उसके बाद शिकार करना को हंटिंग, आदर्श को आइडियल। नेक्स्ट है तो चोट या आघात पहुँचाना को हर्ट, पहचान या शिनाख्त को आई डेन 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 टी पी के सन टी आई एन को बोलते हैं सन। नेक्स्ट है तो परिकल्पना या प्रकल्पना, हाइपो हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस परिकल्पना, पहचान करना आइडेंटिटीफाई आइडेंटिटी आइडेंटिफाई सॉरी आइडेंटिटीफाई नहीं आइडेंटिफाई ना। देखिए तो पति या शौहर को बोलते हैं हस्बैंड, हस्बैंड अर्थात को, फॉर एग्जांपल ये ई आई है जिसको अर्थात बोलते हैं। दोस्तों ये था जो हमारे पास वर्ड थे आज के लिए, और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर जिनको पढ़ने नहीं आता फिर से वीडियो को बैक करके शुरू करके देखिए कि कैसे पढ़ा जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जो है उसको जरूर दबाइए, तभी पता चलेगा वीडियो कब आता है। साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ से, और हमारा जो है दोस्तों प्ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरा तरीका ये है प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।